लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी लगी हुई है तमाम। आज विधायकों को, चेयरमैनों को बुलाया गया था अमेठी से, राकेश प्रताप सिंह जी भी पहुंचे। सर, अखिलेश यादव लगातार नई नई रणनीति अपना रहे, आज भी लोगों को बुलाया गया, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, वो मुझे नहीं पता है, मैं तो व्यक्तिगत एक कार्य से आया था और बाद में आया था, आज ना तो मुझे बुलाया गया था, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव नज़दीक है तो उसके लिए बैठकें होंगी, अच्छे और जिताऊ प्रत्याशियों का चयन होगा, तो जिलेवार बैठक कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जो कैंडिडेट जीतने की स्थिति में होगा उसको कैंडिडेट बना के उसको भेजा जाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का सर अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मदरसों में अब योगा कराने जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इस कदम को, क्या लग रहा है आपको, मुसलमान एकजुट हो रहा है या फिर राजनीति स्टंट है? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, दे सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बना के रखा है इन लोगों ने, उसको किसी से छिपा नहीं है, तो अच्छे से जवाब वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये ना आप से छिपा है ना मुझ से छिपा है। 2024 में सर साइकिल जो है वो तेजी से दौड़ने जा रही है सर? निश्चित तौर पे साइकिल बहुत तेजी से दौड़े, पूरी तैयारी है। हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह मौजूद थे और उनका कहना ये है कि अखिलेश यादव द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में योजनाओं को आगे लेकर जाना है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।